हेलो फ्रेंड, मैं हूं बाबूराम मौर्य और आप देख रहे हैं जीजीआई न्यूज टेक्निकल चैनल। आज आपको हम बताएंगे कि इलेक्ट्रिकल क्या होता है और इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है। हमारे बहुत से भाई लोग समझ नहीं पाते हैं कि इलेक्ट्रिकल क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, वो समझ नहीं पाते हैं। इलेक्ट्रिकल को इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स को इलेक्ट्रिकल बोलते रहते हैं, उनको ये अंतर पता नहीं होता कि दोनों में अंतर क्या है। तो सबसे पहले आज हमको बताएंगे कि इलेक्ट्रिकल क्या होता है और इलेक्ट्रिकल कौन कौन सी मशीन इलेक्ट्रिकल में आती है। तो आइए आपको हम बताते हैं कि इलेक्ट्रिकल यह दो लाइन की बस थ्योरी है। इस थ्योरी को यदि आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको 100% समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रिकल क्या होता है। तो इलेक्ट्रिकल वह डिवाइस या वह मशीन होता है जो डायरेक्ट 220 वोल्ट या 440 वोल्ट की सप्लाई पर डायरेक्ट काम करता है या चलता है। वह डिवाइस या वह मशीन इलेक्ट्रिकल होता है। जैसे में पंखा हो गया, पंखा आपका 220 वोल्ट डायरेक्ट चलता है। प्रेस हो गया, ये भी इलेक्ट्रिकल में आता है, ये भी 220 वोल्ट से डायरेक्ट चलेगा। आपका हीटर हो गया, ब्लोअर हो गया, ये सारी मशीनें जो होती है, टुल्लू पंप हो गया, सबमर्सिबल हो गया, ये सारी मशीनें जो होती है इलेक्ट्रिकल में आता है, क्योंकि ये सारा जो है 220 वोल्ट की सप्लाई पर डायरेक्ट काम करता है। तो दोस्तों, अब आपको हम बताएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है और इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन कौन सी मशीनें आती हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का बस दो लाइन की थ्योरी है, आप उसको ध्यान से सुनोगे तो आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स में वह डिवाइस आता है, चाहे वह मशीन आती है जो एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करके काम करता है, या एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में बदल कर, या बैटरी से डायरेक्ट जो काम करता है उसको हम इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस या इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन कहते हैं। जैसे लैपटॉप, मोबाइल फोन, या टीवी हो गया, एलसीडी हो गया, वीसीआर हो गया, बीएफडी हो गया, ये सारा जो होता है ना, ये सब जो है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होता है। फिर एक बार मैं थ्योरी को रिपीट करूंगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस वह डिवाइस होता है जो एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करके, या बैटरी से जो काम करता है या चलता है, उस मशीन को हम इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस कहते हैं। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है तो अपलोड होने में बहुत प्रॉब्लम होती है। और नेक्स्ट वीडियो में आपको हम ऐसे ही और लेटेस्ट जानकारी देते रहेंगे। हमारे चैनल को यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि हमारे ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज और लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।